महिला दिवस पर वरिष्ठ पत्रकार सिद्ध विनोद की पत्नी के स्मृति में पत्रकारिता तथा अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सत्कार मूर्तियों का शत्रुघ्न सिन्हा के हाथों सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नीलानी, SN विनोद, संपादक सर्वमित्र सुजन, इनकम टैक्स के प्रधान आयुक्त रूबी श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि काफी वर्षों बाद महिलाओं के सक्षमीकरण की बात होने लगी है, यह अच्छी बात है। आज भी महिलाएं शोषण की शिकार होती है, यह स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी है, यह बात समाज को बताने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया है, यह बात अलग है कि भारत में इसकी देरी से शुरुआत हुई है। सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में आयोजित महिला दिवस समारोह में सिन्हा बोल रही थी। इसलिए लगता है कि आज विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यही बताने के लिए और यही समझाने के लिए कि हमारी महिलाएं जो हैं वो सोसाइटी की, देश की, परिवार की बैकबोन है। अब उनको आगे लाओ और उनको आगे बढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ। ये हिंदुस्तान में भले देर से शुरू हुआ हो, लेकिन विश्व में कई कई मुल्कों में बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। तो आज उस दिन मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर रूबी श्रीवास्तव, प्रधान इनकम टैक्स कमिश्नर, सुमित्रा सुरजन, वरिष्ठ पत्रकार सरिता कौशिक, पत्रकार मराठी न्यूज चैनल, मेघना देश पांडे, अंग्रेजी समाचार पत्र, कल्पना नलस्कर न्यूज चैनल, मीनाक्षी हिड़ाऊ स्थानीय न्यूज चैनल, डॉक्टर सीमा पांडे पत्रकार की सहचारिणी, उषा मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता, इन महिलाओं का सत्कार किया गया। जो यहाँ पे महिला पत्रकार हैं आज सम्मानित की जा रही है, उन सबके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, उनको नमस्कार है। 200 से ज्यादा कैसे हो जाते हैं जो सब बात। आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रदीप सर, SN विनोद सर एंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ एसोसिएशन जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और इतना बड़ा ऑनर दिया। फ्रेंकली कहूँगी ये मेरा पहला ऑनर है बीइंग इन मीडिया। इसीलिए हो सकता है कि मैं स्टूडियो पर्सन हूँ, हमेशा से स्टूडियो में रही हूँ और फील्ड वर्क मैंने कभी किया नहीं है। न्यूज़ बुलेटिन की है, प्रोग्राम्स की है, तो शायद जो बाकी के मीडिया वाले जो हैं उनसे मेरा ज़्यादा मिलना जुलना हुआ नहीं है, तो शायद हो सकता है इसीलिए मुझे कंसिडर नहीं किया गया। बट इस तरह से कंसिडरेशन मिलेगा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कि आपल्याला सगळं मिळालं, आपल्याला कायदे करण्यात आले महिलांसाठी, ठीक आहे, मग काही वेळेस आपल्याला सगळ्या बाबतीत आपल्याला समानता मिळावून प्रयत्न करण्यात आले, पण आपण आजही पाहतो की अनेक त्या आपल्या सोसायटीमध्ये आजही आपण पाहिलं तर महिलांवरती अत्याचार होत आहे, बाकी सगळ्या गोष्टी सुरू आहे, पण त्या दिवशी महिला दिवस नसतो का? फक्त एकच दिवस 8 मार्चला महिला दिवस असतो का, असा प्रश्न नेहमी पडतो। प्रस्तावना प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप मैत्र ने रखी। कार्यक्रम का संचालन वर्षा बसु ने किया। जोसेफ राव ने आभार माना। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News, नागपुर।